दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने बीच मैदान पर रोहित शर्मा के चरण छूकर लिया आशीर्वाद। तो क्या बोली रविंद्र जडेजा के साथ उनकी पत्नी रेबाबा जडेजा? जी हाँ दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारत की जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा के सामने खुशी जाहिर करते हुए रोहित शर्मा की पत्नी ने रोहित शर्मा के पैर छूकर बीच मैदान पर आशीर्वाद लिया, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। इस बीच रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रेबाबा जडेजा ने चुप्पी तोड़ते हुए रोहित शर्मा और उनकी पत्नी की तारीफ की और ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आप भी उनके दीवाने होने वाले हैं। तो आखिर रोहित शर्मा की पत्नी और रोहित शर्मा को लेकर जडेजा और उनकी पत्नी ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा में कौन महान खिलाड़ी है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंतिम और फाइनल मैच के अंदर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराते हुए T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया और 13 साल के बाद भारतीय टीम को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाई। इसके बाद रोहित शर्मा काफी ज्यादा इमोशनल और खुश दिखाई दिए। ऐसे में जीत के तुरंत बाद रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने मैदान के बीचों बीच जाकर रोहित शर्मा से मुलाकात करी थी और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने उन्हें गले से लगा लिया, जिसको देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। इस बीच रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी का बयान भी सामने आया है, जिसमें रविंद्र जडेजा ने बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने भारतीय टीम की चैंपियन बनने के बाद अपने पति रोहित शर्मा की पैर छूकर जो मैदान पर काम किया है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं। हालांकि रोहित शर्मा की पत्नी से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि उन्होंने जो अपने पति के लिए बीच मैदान पर करके दिखाया, उसके बाद उनके और उनके प्रति मेरी इज्जत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने आज सभी के सामने बता दिया है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका कितना ज्यादा खुश होकर अपनी खुशी का इजहार इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास में रोहित शर्मा जैसा बेहतरीन कप्तान है, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है। ऐसे में रोहित शर्मा की पत्नी ही नहीं बल्कि सभी खिलाड़ियों को उनके पैर छूने चाहिए। तो वहीं रविंद्र जडेजा की पत्नी रेबाबा जडेजा ने बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा की पत्नी ने रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरीके से उनके चरण छूकर सभी का दिल जीत लिया, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि पहले इस तरीके का काम बीच मैदान पर कर चुकी हूँ मैं। मुझे मालूम है कि ऐसा करने के बाद किस तरीके की फीलिंग आपके अंदर आती है। हालांकि रोहित शर्मा की पत्नी ने रोहित शर्मा के पैर छूकर किसी भी तरीके का दिखावा नहीं किया है, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश कर दिया। अपने पति की जीत या हार के बाद उनकी पत्नी किस तरीके से रिएक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा की पत्नी रितिका के द्वारा इस काम को देखते हुए मुझे IPL 2023 के फाइनल की याद आ गई, क्योंकि मैं भी अपने पति की जीत के बाद उनका आशीर्वाद ले रही थी, जिसके बाद मेरे जीवन में काफी बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल चुका था। तो दोस्तों, रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने रोहित शर्मा के पैर छूकर जो सभी का दिल जीत लिया है, उसे देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम की जीत के बाद रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने रोहित शर्मा के पैर छूकर किया सभी को हैरान। खुद इसके पीछे की असली वजह का खुलासा कर जीत लिया करोड़ों देशवासियों का दिल। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका है और ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने बीच मैदान पर जाकर अपने पति रोहित शर्मा के पैर छूकर सभी को हैरान कर दिया और इसका खुलासा करते हुए बड़ा बयान दिया। तो आखिरकार रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने इसके पीछे की वजह बताते हुए क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन बेहतरीन खिलाड़ी है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराते हुए T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया। इसके बाद भारतीय टीम ने 13 साल के बाद वर्ल्ड कप अपने
घर लाने का काम किया। हालांकि वर्ल्ड कप के फाइनल में जीत के बाद रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने सभी का दिल जीत लिया। दरअसल भारतीय टीम को जैसे ही जीत मिली उसके बाद रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने मैदान पर जाकर कप्तान रोहित शर्मा से मुलाकात की और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने उन्हें गले लगा लिया और ऐसे में इसके पीछे की वजह का खुलासा कर उन्होंने बयान दिया है, जिसमें रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैं चाहती थी कि इस बार के T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमारी भारतीय टीम को चैंपियन बनने का मौका मिले, जो आखिरकार रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने कर दिया है। हालांकि चैंपियन बनने के बाद मैं रोहित शर्मा के चरण छूकर उनका आशीर्वाद ली और सभी को प्रभावित कर दिया, जिसको देखकर मुझे भी एक अलग तरीके की फीलिंग आई है। आज के दिन भारतीय टीम के चैंपियन बन जाने के साथ जितनी खुशी मेरे पति रोहित शर्मा को है उतनी ही खुशी मुझे भी है, और मैंने तो पहले ही भारतीय टीम की जीत की उम्मीद की थी जो पूरी हो गई। हालांकि रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के अंदर जिस भी तरीके से अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी के साथ भारतीय टीम को चैंपियन बनाया है, उसकी खुशी से मैंने रोहित शर्मा के बीच मैदान में जाकर पैर आखिरकार छू लिए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भारतीय टीम के लिए कुछ न कुछ काम जरूर करूं, लेकिन मैं क्रिकेट से तो कोसों दूर रहती हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुझे कितने ज्यादा खुशी है, और जीत के बाद मैं इतनी भावुक हो गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैं जाकर रोहित शर्मा की पैर छू लिए, और इसीलिए मैं रोहित शर्मा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते दिखाई दी। ऐसे में अब रोहित शर्मा के साथ मिलकर मैदान पर जो भारतीय संस्कृति का प्रचार एक बार फिर से किया है, उसके बाद मुझे अंदर से काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों, रोहित शर्मा की पत्नी रितिका के द्वारा किए गए इस दिल जीत लेने वाले मोमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के बाद जब रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने अपने पति के चरण छूकर भारतीय संस्कृति का इतना बढ़िया नमूना पेश किया, जिसे देखकर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के भी होश उड़ गए और दोनों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम ठोकने वाले हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने बीच मैदान में रोहित शर्मा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसको देखकर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी दंग रह गए थे। तो आखिरकार इस खूबसूरत मोमेंट को देखते हुए विराट कोहली और अनुष्का ने क्या प्रतिक्रिया दी, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन खतरनाक खिलाड़ी है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार तरीके से जीत मिली है, जिसके चलते भारतीय टीम ने 13 साल के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी को हाथ लगाया। आपको पता ही है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने सभी मैच में जीत दर्ज करते हुए फाइनल को उसी अंदाज से खेला और 7 रनों से अपने नाम किया। हालांकि इस फाइनल में जीत के बाद रोहित शर्मा काफी ज्यादा इमोशनल हुए, खुश दिखाई दिए। इसके बाद रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने मैदान में आकर रोहित शर्मा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और जीत की बधाई दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने उन्हें गले लगा लिया, जिसको देखकर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की प्रतिक्रियाएं सामने आई। दरअसल इस मोमेंट को देखते हुए विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के होश उड़ गए।